हाँ जी बच्चों, आज हम एक अमेंडमेंट पढ़ेंगे जिस अमेंडमेंट को मैं बोलूंगा कि ये क्लैरिफिकेटरी नेचर है। हम पहले भी इसको ऐसे ही पढ़ाया करते थे, बट गवर्नमेंट ने अपना जो इंटेंट है वो और क्लियर कर दिया इस अमेंडमेंट के थ्रू। ये अमेंडमेंट आई है सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में। अगर आपको इन दोनों सेक्शंस का नेचर पता हो तो इन दोनों सेक्शन में आपको जो नया एसेट खरीदना होता था एग्जेम्पशन लेने के लिए वो होता था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब डाउट ये था कि सिंगल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या फिर डबल। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक हाउस प्रॉपर्टी बेची है अभी 50 लाख की, मैं सेक्शन 54 की बात कर रहा हूँ। आपने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची 50 लाख की जो कि लॉन्ग टर्म थी, आप इंडिविजुअल हैं, और उसकी जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है दैट इज 10 लाख, आपका कैपिटल गेन आया 40 लाख। अब आप एग्जेम्पशन लेने के लिए क्या करोगे? सर, आपने एक हाउस खरीदा, नया हाउस खरीदा 10 लाख का, आपने दूसरा हाउस खरीदा 20 लाख का, आपने तीसरा हाउस खरीदा और 10 लाख का, तो आपने अपने 40 लाख का कैपिटल गेन जो था वो एग्जेम्प्ट करा लिया तीन हाउस खरीद के। जबकि लॉ की जो इंटेंशन थी वो था ओनली वन। अब ये प्रॉब्लम आई कैसे? सर, सेक्शन 54 में और 54F में जो वर्ड यूज हुआ है वो ये वर्ड यूज हुआ है, अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी असेसी शुड बाय अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खतरनाक हुई। सर, एक एक्ट है जनरल क्लॉजेज एक्ट, और एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, यानी अ का मतलब हो गया सर सिंगल तो है ही है और बहुत सारे भी इसके अंदर इंक्लूड है। यानी सेक्शन 54 54F को ऐसे इंटरप्रेट किया जाने लगा कि सर आप एक नहीं, आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन। जबकि लॉ की इंटेंशन ये नहीं थी। प्रॉब्लम कहां से आई? जनरल क्लॉजेस एक्ट की वजह से। क्योंकि यहां पे सर क्या हुआ, वहां पे जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा हुआ है कि सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल ऑल्सो, एंड देयर फोर अ रेजिडेंशियल हाउस वॉज इंटरप्रिटेड एज मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस। लोग बाग ये करने लग गए, जबकि गवर्नमेंट की इंटेंशन, लॉ की इंटेंशन थी कि भैया आपको सिर्फ एक ही के लिए मिले। तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी अमेंडमेंट करी, और वो अमेंडमेंट ऐसी करी कि सर अब बहुत क्लियरली लिख दिया कि सर ओनली वन रेजिडेंशियल हाउस, ओनली वॉट वन, तो अ हटा के क्या लिखा गया, वन रेजिडेंशियल हाउस। दूसरी भी एक प्रॉब्लम थी सर, लिखा था अ रेजिडेंशियल हाउस। अब रेजिडेंशियल हाउस इंडिया वाला या आउटसाइड इंडिया वाला? सर, ये भी क्लेरिफिकेशन है। सर, बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट चाहती है पैसा दोबारा लगे, दोबारा हिंदुस्तान में ही लगे, तो सर हिंदुस्तान के बाहर पैसा जाएगा तो हम एग्जेम्पशन क्यों देंगे? तो क्लेरिफिकेशन क्या होगी? वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो अ रेजिडेंशियल हाउस को हटा के क्या लिखा गया है? वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो अगर आपके क्वेश्चन में अब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो दो या तीन घर खरीद रहे हैं और 54 54F में एग्जेम्पशन ले या ना ले, तो आप दे सकते हैं सिर्फ किसी एक घर के लिए। अब किस घर के लिए दोगे? जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, ताकि आपकी बेनिफिट, आपके एग्जेम्पशन के बेनिफिट सबसे ज्यादा निकले। अगर दो घर आ जाएं जिसमें से एक इंडिया में है और एक बाहर खरीद रहा है, तो आप कौन से वाले के लिए दोगे जो सिर्फ इंडिया में खरीदा है? बिकॉज वन रेजिडेंशियल हाउस इन, कम ऑन से इट, इन इंडिया। ओके, सो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दें, और इससे आप काफी कुछ इसके नंबर आने के चांसेस हैं सर, इस वाली अमेंडमेंट के। इसको जरूर करके जाएं 54 एंड 54F को।